यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रातः अर्ली मॉर्निंग उठकर सबसे पहले ये 5 काम करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यानी एक साथ अर्थ और भक्ति दोनों हमें प्राप्त होती है। जय सियाराम। मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव संगम की धरती प्रयागराज से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। खुशहाल जीवन की कामना प्रत्येक व्यक्ति करता है, साथ ही व्यक्ति की चाहत होती है, इच्छा होती है कि उसे जीवन में आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम कठिन परिश्रम करते हैं फिर भी धन के स्रोत धन का आगमन नहीं होता। जो थोड़े बहुत धन आते हैं उसकी बचत, उसकी सेविंग भी नहीं हो पाती। ऐसे में मन निराश होता है, नकारात्मकता निगेटिविटी आने लगती है। इस कारण से कई बार तो मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं। शास्त्रों के मुताबिक मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी आवश्यक है, ये अटल सिद्धांत है। क्योंकि भाग्य और परिश्रम दोनों वाहन के साइकिल के दो पहिए हैं। एस्ट्रोलॉजी भी कहती है कि अगर ये नित्य 5 काम सुबह उठते करें तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की भक्ति भी मिलती है। तो पहला, हथेली का दर्शन करना। अगर दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन प्रसन्नता से गुजरता है। दिन खुशहाल रहे इसके लिए सुबह प्रातः उठकर के सबसे पहले अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए, वो राम हो, कृष्ण हो, शिव जी हो, दुर्गा जी हो। उसके बाद हथेलियों के दर्शन करने चाहिए और हाथों को देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्तुतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र को बोलना शुभ माना गया है। आप ना भी बोलें तो लक्ष्मी जी को, ब्रह्मा जी को और सरस्वती जी को याद कर लें। इतना करने के बाद हथेलियों को चेहरे पर फेरना चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्मा जी, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। आपको समय मिल जाएगा आपके अनुसार और उस समय पर हम आपको फ़ोन करेंगे और विस्तार से चर्चा होगी। दूसरा क्या करना है सुबह उठ करके? माँ धरती को स्पर्श। प्रातः उठकर के सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, उसके बाद पैर को जमीन पे रखने से पहले माँ धरती को प्रणाम करना चाहिए। आभार प्रकट करना चाहिए कि हे माँ, आप मेरा भार सहन करती हैं और माँ धरती का हमें आशीर्वाद मिलता है जिससे हमारे अंदर धैर्यता आती है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पेशेंस, धैर्यता बहुत आवश्यक है। तीसरा काम क्या करना है? सूर्योदय को जल। सूर्योदय के पहले उठने के बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए। और जल में क्या डालना है? लाल फूल, रोली और गुड़। इसके बाद ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र बोलते हुए सूर्यदेव को अर्घ दें यानी जल दें। इससे क्या होगा? हमारा मान सम्मान, यश और हमारी प्रतिभा का फैलाव होगा। इसके बाद क्या करें? चौथा, तुलसी को जल दें। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद तुलसी में भी जल चढ़ाएं। तुलसी में जल अर्पित करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र बोला जाता है। तुलसी में जल अर्पित करने के बाद उसके नीचे देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा नित्य करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रवेश घर में होता है। पांचवा और आखिरी, घर में नमक पानी का पोछा। वास्तु शास्त्र के मुताबिक सूर्योदय से पहले पानी में नमक मिलाकर
घर में पोछा लगाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। मित्रों, ऐसे ही जीवन की बहुत उपयोगी बातें जिसका वीडियो बनाकर हम आपके लिए लाते रहते हैं, उसको जानने और देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और निवेदन, इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। पुनः धन्यवाद, सभी को जय सियाराम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।